सहूलत देते हैं और आज के दिन में आज का जो महीने का ये जो पहला दिन होता है इसमें हम डॉक्टर साजिदा शाहनवाज के साथ होते हैं असल डॉक्टर और हम जो मसाइल की बात करेंगे आ, वो उन लोगों के लिए जिनको के जेंडर सेलेक्शन ये मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है डॉक्टर साहब बताएंगे इसमें क्या होता है और फिर वो ख़ास तौर पर ये गुफ्तु करेंगे कि एक कपल कपल जो, जो है एक मिया बीवी जो है उनके यहाँ जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ख़ास कोई ना कोई बीमारी जो है वो बार बार बच्चों में आती मिसाल के तौर पर ख़बरों में आप सुनते होंगे देखते होंगे कुछ बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं कुछ सुन नहीं सकते और वो लाता तीन चार बच्चे जो हैं वो एक ही तरह के मर्ज़ खून की बीमारियाँ थैलेसीमिया जो है उसको कॉन्टिन्यू कर रहे होते हैं इनके क्या इलाज या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं लेकिन सबसे पहले जशरी साहब असल सर वाले आप एक दस जेंडर सिलेक्शन का आ, मतलब डॉक्टर साहब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आपने मुझे बता देना जेंडर सिलेक्शन का मतलब यह है कि अगर आपके पास बेटियाँ की तादाद ज़्यादा है और आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं तो आप डॉक्टर से रबता कर तो तबी तौर पर एक वारिस बन सकते हैं बेटे के क्या ये नीयत रखना या ये कदम उठाना शर्य तौर पर दुरुस्त है या इसको अल्लाह के ही भरोसे छोड़ना चाहिए बसमीम रबी फ़र्दी ये कैसी दुआ है जो अम्बिया ने भी की बेशक बेटों की मोहब्बत के लिए मैंने अम्बिया की तारीख को जहाँ भी पढ़ा है मुझे अम्बिया जो हैं, वो बेटे की तलब के लिए दुआ करते नजर आए हैं और अगर किसी के सवाए हमारे रसूल के वो तो रहमतिन है तो बात यह है कि बेटियां अगर किसी के हो गई हैं तो उसे हक हासिल है कि उसे अल्लाह से वारस मांगने के लिए दुआ करे ठीक और इसमें कोई शरी जो है वो उज़र नहीं उज़र है उज़र नहीं है अगर कोई इस चीज़ को उज़र बनाने की कोशिश करता है तो ये तंग नजरी के सिवा कुछ नहीं इसमें सब मेडिकल असिस्टेंस अगर इंसान ले ले तो वो भी ठीक है इसमें क्या शक है कि अगर इंसान को कोई मर्ज है कोई मामला ऐसा है तो उसके लिए तिबई तौर पर कोशिश करनी चाहिए तिबई तौर पर इंसान को जो है अपनी जैसी बीमारियों का इलाज करवा करवाते हैं आप कैसे इसको देखती हैं कि जेंडर सिलेक्शन होता क्या है और किन लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं कि ये जेंडर सिलेक्शन के काबिल है अच्छा अभी आपने ये कहा ना कि जेंडर सिलेक्शन में कि सिर्फ जिनकी बेटियां ज्यादा अच्छा है, ये उलट भी, भी होता तो है उलट भी होता है हमारे पास कई दफ़ा ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिनके पास पहले बेटे हो उनको फितरी तौर पर बेटी, बेटी की खाइश है तो ये दोनों सूरतों में आपके और मैं समझती हूँ फैमिली प्लानिंग जो है फैमिली प्लानिंग इंसान का पहला हक है और बजाय इसके कि दूसरी बात यह कि आप बेटे के इंतज़ार में छः सात सात बेटियाँ पैदा करें और फिर आपकी माशरती तंगी भी हो उस औरत की हेल्थ भी मफलूज हो जाए जो बेचारी हर एक साल के बाद एक बच्चा पैदा बिल्कु कर रही है।, है क्योंकि उसको उसका मियाँ वक्फा नहीं करने दे रहा तो इट इज़ बेटर कि उसको आप उसको स्पेसिंग दें और जब अल्लाह ताला ने एक इल्म हमारे तक पहुंचाया है तो उसका इस्तेमाल किया जाए डॉक्टर साहब ये जेंडर सिलेक्शन किस तरह की जाती है मर्द के साथ की जाती है या औरत के साथ की जाती है अच्छा जा सबसे पहले जैसे कि मैं हमारी बैकग्राउंड में भी और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि औलाद जो है वो मर्द के नसीब में है साइंस ने इसको बिल्कुल दुरुस्त किया है कि औलाद मर्द के नसीब से ही आती है, है कि मर्द में एक्स और वाई स्पर्म है ठीक ठीक है अगर उसका एक्स पॉम औरत की तरफ जाएगा औरत के अंडे के दो पार्ट है दोनों पे दोनों एक्स एक्स है। है। एक्स है। अगर मर्द का एक्स वाला हिस्सा उसकी तरफ जाएगा तो बेटी, तो बेटी होगी। पैदा होगी अगर उसका वाई वाला हिस्सा तो जाएगा वाई के साथ तो लड़का, लड़का हो पैदा होगा।, होगा अब आता है कि किसका इलाज करना चाहिए बेसिकली ये इलाज है मेल का मेल का कुछ लोगों में होता क्या है कुछ मेल में ऐसा प्रॉब्लम ऐसा इशू आ जाता है आपने कभी गौर किया होगा अपने अजीजों में और इधर उधर आप नजर दौड़ाए तो पता चलता है जी पहले दो तीन बेटियां पैदा हुई फिर उसके बाद अब उस मेल में जीरो स्पर्म हो गए या उसके बच्चे ही नहीं हो रहे उजर उनमें पहले से था उजर पहले से, उजर था। पहले से होता है लेकिन वाये 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 जो आपका स्पर्म है वो आपके उजर की हालत में डेड हो जाता है जब किसी मर्द में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो पहले जो जो चीज कमजोर होगी देखें आप किसी जगह सैलाब आ गया या कहत आ गया है तो कहत में सबसे पहले जो कमजोर लोग हैं जैसे कोविड को ले लें कोविड आया तो सबसे पहले कौन से लोग इनकी डेथ हुई जो मर्द, अम्यूनो कम्प्रोमाइज थे जिनके अंदर इम्यूनिटी थी मर्द जो है मर्द जो है वो जेनेटिकली कमजोर है आपने ये मेरी बात को यकीन करें अंडर एस्टिमेट ना करें हम समझते हैं कि मर्द बहुत मजबूत है कहता आता है सबसे पहले मर्द वहां पे खत्म होते हैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है मर्द ज्यादा प्रोन है हार्ट अटैक में मर्द अल्लाह ताला ने औरत को प्रोटेक्शन दिया है यही वजह है कि जिचगी का इतना सख्त अमल जो है वो, वो के औरत के जिम्मे रखा गया इसी तरह एक्सपर्म जो है वो रेजिलियट है वो वीक है है, 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 है।, है। यानी उसको बुरे हालात में में भी वो अगर किसी मर्द में, करें शुगर हो गई है या उसको हाइपरटेंशन की वजह से कुछ उसके या और कोई डिजीज है तो तो ऐसे, वाई सबसे पहले, तो पहले उसका वाई कॉम्प्रोमाइज होगा वाई जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा

अच्छा ये थोड़ी सी बात को बढ़ना ना नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी भी, अच्छा, तो भी, 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 भी क्लियर है अभी मैं एक डॉक्टर के पास गई थी उन्होंने हमें कहा है कि आपके जो एग्स ना फर्टिलाइज नहीं हो रहे अच्छा उन्हें कैसे पता चला था जी उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था और कुछ रिपोर्ट्स भी करवाई थी हमारी तो ये आपको मैं देखती रहती हूँ अच्छा चले आना काम काम आप काम करो आप टीवी आपका चल रहा है ना आप मेरी बात सुने टीवी पे ना ये ये बड़ी बात है अभी साहब मैं ये बात आपको बता रही हूँ जैसे इन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा अब इतने लोग समा के रेफरेंस से जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको एक मैं मैसेज देना चाह रही हूँ कि जब वो मुझे कहते हैं ना डॉक्टर साहब दस साल शादी को हो गए हैं वजह तो दसो क्यों नहीं होया नहीं। मेरा मतलब है जब उनका ये सवाल आता ना कि क्यों नहीं होया उनका जवाब ये है कि मुझे नहीं पता क्योंकि जब आपको मैं जवाब देने लगूंगी कि आप में प्रेगनेंसी क्यों, क्यों नहीं हुई तो होनी उसके लिए मुझे एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का अमल करना पड़ेगा ठीक यानी टेस्ट ट्यूब बेबी बेशक आपका फेल भी हो जाए आईवीएफ फेल भी हो जाए वो हमें बता जरूर जाता है कि कहा पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई आया अंडे अच्छी क्वालिटी के थे या नहीं थे नहीं थे क्या स्पर्म अच्छा अंदर जाके डैमेज हो गया नेक्रोज तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उन्होंने बगैर देखे अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल सकता अल्ट्रासाउंड से ये नहीं पता चल सकता कि उनके अंडे फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो आपको जब तक इसलिए मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आपको कैसे पता चला तो ये चीज तो बिल्कुल हमें इसका मतलब है स्टिल येट इट इज कि क्यों है डॉक्टर तो हाँ। साहब अब ये करें क्या इसको इसको जरूरी है कि ऐसे सेंटर में जाए जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटीज हैं बजाय एक इसके टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपेरिमेंट के तौर पे या एक मैं, लो, लोगों का करना पड़ेगा मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कि वो जब उनकी वाइफ की एज फोर्टी फाइव हो गई है तो फिर फोर्टी प्लस है सारी जिंदगी गुजर गई वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब ये आखिरी हाल था अब हम अब, अब हम आ गए हैं ये हमारे पैसे पड़े हैं हाथ में दूसरी तरफ हमें बच्चा दे दें ये पॉसिबल नहीं है नहीं टेस्ट्यूब बेबी उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट है जिनमें बच्चा होने की अहलियत है ठीक अगर अहलियत नहीं अभी इनमें अहलियत है, है तो ये जरूर कराएं कराएं डॉक्टर साहब आपको अनमोल ये फरमा रही है कि आप एक जो लाहौर है किसी ऐसे सेंटर में जहाँ टेस्ट ट्यूब होता हो आई होता हो वहाँ जाए ताकि ये पता चले कि वो डॉक्टर साहब ने कहा है आपको कि आपका एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं करता वो अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल सकता जब तक ये नहीं होगा कि वो करता है कि नहीं करता लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब तक पूरा डायग्नोज नहीं हो स हो सकता आपको इस कंडीशन तक जाने ना पड़े पहले और मसाइल सामने समझ में आ जाए जो कि हल हो सकते हैं इसलिए जब तक आप डायग्नोज नहीं कराते तब तक नहीं और अगर आपको अल्ट्रासाउंड के बाद कोई डॉक्टर बता रहा है कि ये ऐसा है तो आप सबसे पहले जो काम कीजिए वो अपना डॉक्टर बदलें क्योंकि वो आपको ठीक मशवरा नहीं दे रहा जी सलाम बदर जी सलाम आ, जी आ, बदर भाई आ, सर मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ ऐसे है कि मेरी चार बेटिया है तो बेटे के लिए जेंडर सिलेक्शन के लिए आपसे बात करनी है ठीक है आपकी बात हो गई आपकी कॉल भी लग गई और आपको जो बेनिफिट डॉक्टर साहब के तो बाद तो जेंडर सिलेक्शन करते हैं या कितने बेटे हों तो जेंडर सिलेक्शन करते हैं अच्छा हमारा जो मैंने अपने तौर पर जो जो मेरी अपनी रिसर्च है ना उसमें हमने पास किया हुआ की जब तक आपकी दो बेटिया ना होडर सिलेक्शन के लिए मत अगर दो बेटे हो अगर नहीं तो भी आप जेंडर सिलेक्शन बेटी का कर सकते हैं हैं बेटी का कर सकते वो तो मैं कहती एक बेटे पे भी अगर बेटी का करना है तो क्योंकि है। 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 तो अच्छा अगर किसी का एक बच्चा है लेकिन औरत की एज थर्टी फाइव होने वाली है या अबव हो चुकी है तो वो भी फौरन उस काम कर देते है लेकिन मैं एक बच्ची के बगैर जेंडर सिलेक्शन नहीं करती अपने की जेंडर सिलेक्शन नहीं करते, नहीं करते क्योंकि मेरे 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 हिसाब से ये मेरे अपना लॉ है कि मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं ये, करते। ये वैसे कोई एथिकल कानून नहीं है नहीं है अपने बात सुन ली आपकी चार बेटियां अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे उनके नसीबों का आपको भी दे आप जेंडर सिलेक्शन करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं आ, ये बड़ी खूबसूरत बात है लेकिन जो दुख की बात दुख की बात तो नहीं है मुख्तलिफ बात जो लगी वो ये कि लोग आ, बेटे के लिए जेंडर सिलेक्शन करते हैं डॉक्टर साहबा कह रही है कि अगर कोई बेटी की जेंडर सलेक्शन के लिए एक बेटे के भी बात में हम तो कर देते हैं लेकिन दो बेटियों का होना ज़रूरी है ये इनका अपना कानून है कोई दुनिया का कानून नहीं है अगर कोई पहली बेटी पर जेंडर सिलेक्शन कराए तो उसका फ्री है मैंने पहले कह दिया

और आजिज भी हो बेशक बेशक इसमें कोई शक नहीं है बेटी जो के लिए दुआ क्या मांगनी चाहिए कैसा देखिए बेटी एक घर का जो है ना बुनियादी तौर पे बुनियाद बाहर हमें महसूस होता है बेटे होते हैं लेकिन बुनियाद मेरी नज़र में बेटियां होती हैं जो असास घर की शख्सियत लेके आगे चलती हैं जहाँ पे तरबियत का पता चलता है कि ये जब बेटी किसी दूसरे घर में जाती है तो पता चलता है कि इनके घर का माहौल और तरबियत और असास जिंदगी में पहली दफा आपने ऐसी बात की जिसमें आपका और मेरा नजरिया बिल्कुल एक बराबर है और दूसरी बात यह शुक्र बिल्कुल सही कह रहे हैं दूसरी बात सही हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अगर आप मुझे बेटी अता फरमाएं तो हमें यह तोफी फरमाएं कि हम इनकी तरबियत अच्छी कर सकते क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर किसी की दो बेटियाँ हों एक रिवायत में बेटी है एक में दो बेटियाँ हों और वो उनकी अच्छी तरबियत करके उनकी शादी कर दे तो हशर के मैदान उंगली उंगली का निशान करें तो उंगलियां ऐसे जो, जो मिलाकर जो है वो हशर के मैदान में होगा तो बात ये है कि तरबियत जो है वो बुनियादी अंसर है करो की इसमें इस जो बात चिष्ती साहब नहीं फरमा रहे वो ये कि वो जहाँ पे साहबा के साथ ये बात हो रही थी वहाँ सहाबा में ये मैं अपनी तरफ से लाभाल हलचल मच गई तीन से बात हुई उसने कहा तीन नहीं है तो मैं क्या करूँगा मेरी दो, दो पे उस पर भी अच्छा अच्छा ना हो तो अल्लाह के रसूल ने कहा उस पर भी होगा दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताली जो औलाद नसीब करे वो नसीब वाली हो और सेहतमंद हो हम जब दुआएं मांगते हैं तो यकीन कीजिए ये दो शामिल करें आने वाली औलाद के लिए अल्लाह नसीब अच्छे करे और सेहतमंद मुख्तार बात कर रही हूँ मेरे पास छह बेटियां पहले मुझे चार बेटियां थी उसके बाद मुझे एक बेटा है। उसके मुझे दो है।, मैं मुझे एक बेटा हो। बेटा है आपके पास जी तो छे बेटी और एक बेटा तो माशाल्लाह काफी है ना अल्लाह ने बेटा अभी कितनी उम्र है आपके मुख्तार जी बेटा है ना के जी एक बेटा है आज आप, आपकी उम्र कितनी है बेटा टेलीविजन बंद कर दो तो माशाल्लाह तो मेरे चार एक का भाई दो हो तो अल्लाह राजी हो जाए तो अच्छा टीवी ती, मेरा पुत्र बंद कर देना फोन पे बात कर वो खास तौर पे ख़वातीन होती है ना जिनको मैं मैं बड़े माफी से कहता अपनी बेगम को भी इसमें शामिल करता हूँ सुननी कोई नहीं वो टेलीविजन सुन रही होती है फोन <laughs> पे आवाज आ रही है चले इनकी ले ले, ये हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अप्रोक्सी जिस तरह ये बता रही है ठीक हाँ, तो इस इस पे हो सकता है, चांस हो सकता चाहिए। है। इस पे कोई कबाहत तो नहीं है नहीं कोई कबाहत नहीं अगर उन्होंने सोच लिया तो हम हमने प्लान करना है हाँ। और बजाय इसके कि वो उसी रास्ते में दो बेटियां और पैदा कर लें तो इट इज़ बेटर क्यों चांस ठीक है इस इस पे जब ये बात कर रहे होते हैं ना हम में से कोई भी अगर ये बात कहे कि अगर वो ये समझता है कि बेटियां और हो जाएंगी इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि बेटियां नहीं चाह रहा इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक बैलेंस्ड फैमिली चाह रहे हैं लोग इस पर बाकी रहमत और बरकत की गुफ्तगु नहीं है कतई तौर पर नहीं है इसलिए जो शख्स जो है चाहता है कि वो जेंडर सिलेक्शन करे तो ये एक असूल डॉक्टर साजिदा शाहनवाज ने अपना ज़ाती बनाया कि मैंने दो बेटियां होंगी तो बेटे की सिलेक्शन करनी है लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा खुश नसीब है कि वो पहली दफ़ा ये आके कहता है कि मुझे चाहिए ही बेटी तो डॉक्टर साहबा ने कहा है कि मैं उससे कुछ भी नहीं लूँगी ये होता है एक आ, कमाल बात पाकिस्तान में ऐसे लोगों को ये लोग चाहिए एक जी। एक और बात अभी आपकी बातों से निकली है और ये बहुत ज़रूरी है ये मैसेज पहुंचाना कि जो हमारा फिल्टर वाला तरीका है ना उसमें वो है बेसिकली है क्या मैं इसके इस रेफरेंस से बात निकलेगी कि उसमें जब हम आपका जो नेचुरल फिल्टर है उसके पोर्स को नैरो कर देते हैं तो उसमें क्या होता है वाय नाइन्टी फाइव परसेंट वाइस पर हम गुजरते हैं और फाइव परसेंट एक्स, गुजरते, एक्स हैं। गुजरते हैं बेटी वाले अच्छा अगर किसी का उस मेथड में कोई पेशेंट फॉल कर जाता है ना फाइव परसेंट हाँ, तो बेटी, बेटी हो सकती है नहीं बेटी हो सकती है सुने अब आ, आगे हाँ। मैं क्या कह रही हूँ मेरी मेरी जो नेक्स्ट रिसर्च है ना हाँ। वो ये है कि मैं इनशाला उन बच्चियों को फॉलो करूंगी कि जो 95 परसेंट मेल को जिन्होंने जेनेटिकली बीट किया और वो फाइव परसेंट देवर सो so जीनियस के वो फिल्टर उनके लिए नहीं था लेकिन उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी से उसमें निकली है। सारे हर्डर पास किए और जाके विनर हुई मेरा मेरी मेरी तहकीक है कि अगर ये मेरी अगले पाँच सालों में इनशाला जिंदगी रही हम इकट्ठेंगे कि अगर

और एक्स उस 95 को बीट करके पहुंच जाता है और वो बेटी आ जाती है इस दुनिया में आइंदा तो पाँच साल बाद पता चलेगा कि वो बेटियां जो हैं वो फिर कितनी सुपरसोनिक जीनियस होती हैं जो कि जेनेटिकली 95 परसेंट को बीट करके अपने मकाम तक पहुंची है वक्फा लीजिए वापस आइए हमारे फ़ोन कॉल खुले हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं अपना मसला डॉक्टर साहबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं